जिसने ये पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, विश्व हिंदू परिषद वो संस्था जिसने ये लड़ाई लड़ी, जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, और आप सब बैठ जाइए पीछे, व्यवस्थित रहिए, पुलिस वाले व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, पीछे बैठे रहिए। राम की नगरी है, मर्यादा की नगरी है, अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है, बैठे रहिए, बैठे रहिए, मेरा निवेदन है, बैठे रहिए। चले, क्या भावना है आलोक जी, बैठिए, क्या भावना है, क्या मन में भावना है? आज की भावना को कोई शब्दों में बता सकता है क्या जी? ये तो एक ऐसी चीज है जो हृदय में है जी। 25 पीढ़ियां, 500 साल जो भी हिंदू बच्चा पैदा होता था, अपनी जीन्स में, अपने डीएनए में जी, मंदिर के टूटने की तकलीफ लेके आता था, और ये संकल्प लेके आता था कि वो ढांचा गिरेगा और मंदिर बनेगा। आज हमारा वो सपना पूरा हो गया है, और पूरे देश में और बाहर के 55 देशों में इसी तरह से खुशी मनाई जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आलोक जी, आपके लिए कितना भावुक पल होगा। शैलेश भाई यहाँ पर हैं, इनके आंखों से तो आंसू आ गए, और मैंने कई माताओं को देखा, कई साधु संता को देखा, उनकी आंखों से अनुराग था, अश्रु थे, और आज हमारे रामलला, हम सबके रामलला आ गए। मेरा निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आज हम सबके रामलला आ गए। आलोक जी, ये संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, और इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं उम्मीद कर रहा था, और मैंने किसी को कहा कि मुझे नहीं पता कि आज ज्यादा भीड़ जमीन पर होगी या आकाश में होगी। जितने भी देवी देवता हैं, वो भी तो स्वर्ग से उतर कर जी ये देखने आएंगे। आपकी आंखों में भी मैं आंसू देख रहा हूँ, ये भावना देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज के आसमान में अशोक सिंघल जी, वामदेव जी, देवरा बाबा, सारे संत और कार सेवक आसमान में से देख रहे होंगे कि मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, और अब हम उनकी पूजा करने के लिए स्वतंत्र हो गए। वो देख रहे होंगे कि अब अयोध्या की गलियों में कभी गोली नहीं चलेगी, अब अयोध्या में शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा, राम राज्य होगा, दुनिया भर के लोग हवाई जहाज से, ट्रेन से सीधे अयोध्या आएंगे, और अयोध्या एक विकसित शहर बन जाएगा। ये देखिए, आतिशबाजी हो रही है, आज हमारे रामलला आए हैं, आतिशबाजी हो रही है, ये है राम की शक्ति, ये अद्भुत माहौल है। शैलेश भाई क्या कहना चाह रहे हैं इन सितारों को देखकर? मैं सितारों को यही कह देख के कह रहा हूँ, ये आतिशबाजी हमें लग रही है, लेकिन ये कहीं और से है, ये तो व्योम से है, अंतरिक्ष से है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये त्याग और समर्पण की गवाही दे रहे हैं, ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात बोली, ये पटाखे नहीं है, ये सितारे हमें बधाई दे रहे हैं। और कहते हैं ना, ब्याह शादी हो, कोई मंगल हो, तो हमारे यहाँ तो बधाई गाई जाती है जी। बधाई गाई जाती है, तो बधाई के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? मेरा तो गला जरा, मुझे पता है, लेकिन कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बधाई अयोध्या के नागरिकों को देना चाहता हूँ, खास तौर पे मैं 2 दिन से यहाँ, कल यहाँ हूँ। हर व्यक्ति, आलोक भाई, ऐसा लग रहा था ये लाइट एंड साउंड अद्भुत है, और ये देखिए अपने आप में अद्भुत है,
ये अपने आप में अद्भुत है। आप लोग बैठिए, हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं राम परेश शो।